स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कृति लेकर हाजिर हूँ इस वक्त की बड़ी खबरें और धर्मांतरण को लेकर इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आ रही है। धर्मांतरण के मामले में एक और गिरफ्तारी, यूपी एटीएस ने गुजरात एटीएस की मदद से किया गिरफ्तार। सलाउद्दीन जैनुद्दीन शेख नाम का है आरोपी। 3 दिन की रिमांड पर सलाउद्दीन को लाया जा रहा लखनऊ। तो बड़ी सफलता, एक और धर्मांतरण मामले में युवक को गिरफ्तार किया गया। बता दें कि यूपी एटीएस ने गुजरात एटीएस की मदद से सलाउद्दीन नामक इस युवक को गिरफ्तार किया है। मैं इस खबर पर संवाददाता शिवा जुड़ चुके हैं। शिवा, एक और सफलता, एक और नाम जुड़ गया है इस धर्मांतरण मामले में। बिल्कुल कीर्ति, धर्मांतरण मामले में ये यूपी एटीएस की 5वीं गिरफ्तारी है, क्योंकि इससे पहले भी 5 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। और ये कहा जा रहा है कि जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया है वडोदरा से, और इसका नाम सलाउद्दीन जैनुद्दीन शेख है, जो सीधे सीधे उमर गौतम, जो कि हाल ही में पहले राउंड में जो यूपी एटीएस द्वारा गिरफ्तार किया गया था, उससे इसका सीधा कनेक्शन था और फंडिंग का कनेक्शन सामने आया था। यानी कि सलाउद्दीन फंडिंग के जरिए उमर गौतम को मदद करता था, और उमर गौतम और जहांगीर जो यूपी एटीएस द्वारा पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं, वो धर्मांतरण के रैकेट को उत्तर प्रदेश के अंदर चलाते थे। और जिस तरीके से दूसरे राउंड में इरफान ख्वाजा भोला, मन्नू यादव और अब्दुल मन्नान, इन तीनों की गिरफ्तारी हुई थी, इन तीनों की ही पूछताछ से सलाउद्दीन का पता चला था। और ये कहा जा रहा है कि उमर गौतम लगातार इनके संपर्क में था। तो अब 3 दिन की इसको ट्रांजिट रिमांड पे लेकर लखनऊ लाया जा रहा है, ताकि इससे पूछताछ में जो रैकेट से जुड़े अन्य लोग हैं उनका पता लगाया जा सके। 5वीं गिरफ्तारी है, अहम गिरफ्तारी है, और ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि देश के अलग अलग कोनों में धर्मांतरण का ये पूरा रैकेट सिंडिकेट चलाया जा रहा था। और किन की मदद से और किस किस की फंडिंग से ये पूरे रैकेट को चलाया जा रहा था, ये यूपी एटीएस की टीम लगातार पड़ताल कर रही है। हमारे साथ जुड़ने के लिए, तो एक और नाम धर्मांतरण के मामले में जुड़ चुका है। 5 लोगों की गिरफ्तारी हालांकि हो चुकी थी, तो इसकी लगातार जो रिमांड थी उन युवकों की लगातार जारी थी, पूछताछ हो रही थी, ताकि और इनसे सिंडिकेट किन कितना जुड़ा हुआ है और कौन कौन से लोग भारत में रहकर धर्मांतरण के रैकेट में शामिल है, उसको लेकर लगातार कार्रवाई चल रही है, जिसके जरिए यूपी एटीएस और गुजरात एटीएस ने मिलकर एक और सफलता हासिल की, जिसमें सलाउद्दीन नामक युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। 3 दिन के रिमांड पर उनको लखनऊ लाया जा रहा है, जहां पर पूछताछ की जाएगी। नशीले पदार्थ की सप्लाई करने वाले 3 लोगों को किया गया गिरफ्तार। कॉलेज के छात्रों को करते थे सप्लाई। यूपीएससीएफ ने एमिटी यूनिवर्सिटी के पास से किया गिरफ्तार। आरोपी नेपाल से नशीला पदार्थ लाकर छात्रों को बेचा करते थे। तो बड़ी खबर, नशीले पदार्थ की सप्लाई करने वाले इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। छात्रों को सप्लाई करते थे, यूपीएससीएफ की बड़ी कार्रवाई। एमिटी यूनिवर्सिटी के छात्रों को नशीले पदार्थ सप्लाई किया करते थे। यूपीएसटीएफ ने एमिटी यूनिवर्सिटी के पास से इन्हें गिरफ्तार किया है। मैं इस खबर पर इस वक्त एक बार फिर हमारे साथ संवाददाता शिवा जुड़ चुके हैं। शिवा, बड़ी कामयाबी लगी हाथ, लेकिन एमिटी यूनिवर्सिटी को निशाना बनाया, क्योंकि छात्र जो है बड़ी तादाद में वहीं पर है। बिल्कुल कीर्ति, लखनऊ एसटीएफ की टीम को लगातार कई दिनों से इस बात की सूचना मिल रही थी कि लखनऊ के जो विश्वविद्यालय हैं और कॉलेज हैं, उसमें तमाम तरीके के जो नशीले पदार्थ हैं उनकी तस्करी महंगे दामों में की जाती है और सीधा सेवन छात्र छात्राएं करते हैं। इस पर एक टीम बैठाई गई और गहनता से पड़ताल की गई, और ये बताया जा रहा है कि कल एमिटी यूनिवर्सिटी के पास से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, और गिरफ्तार अभियुक्तों ने इस बात को कबूला है पुलिस अफसरों के सामने कि वो नेपाल के डांग जिले से चरस और गांजा ला करके लखनऊ में वो थोड़े महंगे दामों में छात्र छात्राओं को बेचते थे, और उसका सेवन कहीं ना कहीं ये स्टूडेंट पर होता था। तो इस पर इन लोग 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिसमें आरू सिंह, विकास सैनी और सुनील यादव है। ये तीनों ही लोग लखनऊ के रहने वाले हैं, और इनके पास से जो बरामदगी हुई नशीले पदार्थ की, उसकी कीमत लगभग 21.5 लाख रुपए है। 6 किलो गांजा, 4 किलो चरस, 2 मोबाइल फोन समेत इनके पास से नकदी बरामद हुई है। अब पुलिस के अफसर इन लोगों को कस्टडी रिमांड पर लेंगे और शायद पूछताछ करेगी कि लखनऊ के अलावा ये लोग कौन कौन सी जगहों पर सप्लाई करते थे चरस और गांजा, और इनके रैकेट में कौन और लोग जुड़े हुए हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया शिवम हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ये आरोपी नेपाल से नशीले पदार्थों की सप्लाई किया करते थे और निशाना बनाया जाता था यूनिवर्सिटी के छात्रों को। तो एमिटी यूनिवर्सिटी के पास से इन तीनों युवकों को गिरफ्तार किया गया है। यूपीएसटीएफ की बड़ी कामयाबी, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, आपका ही मजा आएगा, जल्द हाजिर होंगे।